हाल है बॉयज एंड गर्ल्स, भाई सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम सर्वाइव करेंगे एक ऐसे वर्ल्ड में जहां चारों ओर बस पानी ही पानी है, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड यार ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, बिकॉज यार लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें 100 डेज सर्वाइव करने हैं। और इन 100 डेज में हमें यार 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने हैं। फर्स्ट हमें बनाना एक प्यारा सा घर और एक अपना खुद का आइलैंड क्रिएट करना है। सेकंड हमें ड्राउन ज़ॉम्बीज को मार के अपने लिए एक ट्राइडेंट ढूंढना है। और थर्ड एंड लास्ट यार हमें विदर को डिफीट करना है, लेकिन अपने ओवरवर्ल्ड में नहीं, नीदर में जाकर। और ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा कि यार बहुत ही ज्यादा मेहनत और टाइम लगा है इस वीडियो को बनाने में। मुझे दिल से अच्छा लगेगा अगर तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोगे तो। और बस यार तुम अब एंजॉय करो वीडियो को। तो यार गेम स्टार्ट होते ही मैं स्पॉन हुआ एक बहुत ही बड़े समुद्र के बीचों बीच। और यार पूरे वर्ल्ड में ना मुझे सिर्फ 2 ही चीज दिख रही थी, नीला नीला आसमान और नीला नीला पानी। और यार बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि रिसोर्सेज लाए तो भाई लाए कहां से। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई हाँ, ये समुद्रों में कुछ जहाज भी डूबे हुए होते हैं, तो क्यों ना उन डूबे जहाजों को लूट लिया जाए। तो बिना कुछ सोचे समझे हम चल पड़े भाई टाइटैनिक की तलाश में। और यार बहुत देर तक हमने टाइटैनिक को ढूंढा और फाइनली एक टाइटैनिक हमको मिली। एंड यार फिर हमने उस टाइटैनिक को बिल्कुल भूखों की तरह लूटा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ रही थी कि भाई जैसे ही मैं वुड को तोड़ने के लिए अंडर वाटर गया, तो भाई मेरी सांस फूले जा रही थी, जिससे मेरे दिल में दर्द डिस्को होने लग गया। कुछ हेल्थ गंवाने के बाद हाँ हमें थोड़े से वुडन लॉग्स मिले, और उन वुडन लॉग्स से हमने थोड़े से वुडन प्लैंक्स बनाए, जिससे मैंने एक छोटा सा लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि भाई समुंदर में नहा के नमकीन नहीं होना है मुझे। अरे इतना सब करते ही करते भाई कब रात हो गई पता ही नहीं चला। और यार मेरे पास सोने के लिए बेड ही नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करे भाई साहब। तो मैंने डिसाइड करा कि भाई पूरी रात जाग कर ना इस टूटे हुए जहाज को और ज्यादा तोड़ेंगे। तो मैंने जल्दी से एक वुडन डोर बनाया। और यार आपको पता होगा कि जो वुडन डोर होता है उससे हम अंडर वाटर सांस ले सकते हैं। और यार रात होते तो पूरे वर्ल्ड का रंग ही बदल गया, कसम से इतनी डरावनी आवाजें आ रही थी। वैसे मैं 20 साल का हूँ, लेकिन मेरी 4 साल के बच्चे से ज्यादा फट रही थी। तो भाई मैंने अपने दिल पे हाथ रख के बोला और यार जय गंगा मैया बोल के मैं कूद गया समंदर में। एंड फिर हमने पूरी रात बस जग के भाई लकड़ियां ही लकड़ियां तोड़ी। और यार उन लकड़ियों से हमने और ज्यादा प्लैंक्स बनाए, और उन प्लैंक्स से हमने अपना वो प्लेटफॉर्म और भी ज्यादा बड़ा कर लिया। एंड देन फिर यार मेरे छोटे से दिमाग में एक बड़ा सा आइडिया आया कि क्यों ना यार मैं एक बोट बना के कोई आइलैंड वगैरह ढूंढ लूं। तो यार मैंने एक छोटी सी नाव बनाई, और इतनी तेज बारिश में ना मैं एक आइलैंड ढूंढने गया। तो मैंने यार बहुत देर तक आइलैंड ढूंढने की नाकाम कोशिश करी, एंड फिर मैं खाली हाथ अपने घर वापस आ गया। भगवान से ना हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई, इतना ओपी नसीब ना किसी को मत देना। एंड फिर बारिश खत्म हुई, सूरज मामू ने दर्शन दिए, और मुझे क्या देखने को मिला, मेरे जस्ट थोड़ी ही दूर भाई एक आइलैंड था। मतलब यार ये जो मेरा नसीब है ना भाई, एक नंबर का कपिल शर्मा हो रखा है, मजे पे मजे लिए जा रहा है। बट यार कसम से आइलैंड देख के ना मुझे इतनी खुशी हुई कि भाई मैं तुरंत बोट लेके उस आइलैंड पर गया। और यार आइलैंड पहुंचकर मुझे इतना ज्यादा मजा आया, बिकॉज यार आइलैंड से मुझे कुछ वीट सीड्स मिली और शुगर केन, और हाँ वो वाला फूल भी मिला जो आयरन गोलम मरने के बाद देता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, हमें आइलैंड मिल चुका था, तो अब हम यार माइनिंग कर सकते थे। लेकिन यार माइनिंग करने से पहले ना मैं समुंदर में गया, और वहां मुझे कुछ प्यारी प्यारी मछलियां दिखी। तो मैंने उन प्यारी प्यारी मछलियों को बहुत प्यार से मारा, नहीं उन्हें दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी, आप पूछ सकते हो उनसे जाके। एंड यार मछलियों को मारने के बाद हमने अपने माइनिंग का काम शुरू कर दिया। एंड हमने 4 दिन तक भाई सब ताबड़तोड़ माइनिंग करी। माइनिंग करने के बाद यार हमें बहुत सारे कोबलस्टोन्स मिले, बहुत सारे कोल भी मिले, लेकिन यार आयरन थोड़ा सा मिला था, तो हाँ आयरन के हम टूल नहीं बना पाए। लेकिन अब हमने अपने सारे वुडन टूल्स को अपग्रेड कर लिया स्टोन टूल्स में। एंड हमने कोबलस्टोन की थोड़ी सी स्टेयर्स बना ली थी, और उन स्टेयर्स को अपने माइनिंग एरिया में लगा दिया। और अब पता है मैं बिल्कुल निंजा हथौड़ी की स्पीड में सीढ़ियां चढ़ रहा था। और यार इन मछलियों पे भी ना इतना अत्याचार करना कोई ठीक बात नहीं है। तो यार मैंने अब डिसाइड करा कि एक फार्म बनाते हैं, बिकॉज अब हमें थोड़े से वीट के सीड्स मिल गए थे, और वो शिप लूट कर भी ना हमें टोटल 7 कैरेट्स मिल गई थी। तो यार मैं आइलैंड पर दोबारा वापस गया डर्ट के ब्लॉक्स लेने, लेकिन यार मैंने क्या देखा, एंडरमैन बाबू भाई साहब वो डर्ट के ब्लॉक्स ही चुरा रहे हैं। यार एक तो वैसे ही इतनी कमी है मतलब डर्ट वगैरह की रिसोर्सेज की, ऊपर से ये चोर आ गए यहाँ पर चोरी करने। मेरा मन तो बहुत ही कर रहा था कि इस एंडरमैन में ना चप्पल ही चप्पल बजाऊं, लेकिन यार ये जो एंडरमैन होता है ना बहुत ही गंदा डैमेज देता है, और इस वक्त हमारे पास कोई आर्मर वगैरह ना वेपन थे, तो हम निकल लिए डर के। क्या गुंडा बनेगा रे तू। एंड फाइनली यार हमने फिर आइलैंड से बहुत सारी डर्ट कलेक्ट कर दी, और काम शुरू कर दिया अपना फार्म बनाने का। तो उसकी छोटी सी क्लिप यार ये रही।
चुका था रेडी और हमने इसमें सारी वीट एंड कैरेट की सीड्स लगा दी। एंड हाँ यार, फिर हमने आयरन ओर को मेल्ट करके अपने लिए एक आयरन का पूरा कवच बना लिया। एंड फिर यार हम दोबारा माइनिंग पे गए और यार पूरे टोटल 2 दिन तक माइनिंग करी, तब जाकर मुझे कुछ गोल्ड मिला, आयरन भी बहुत सारे मिले एंड हाँ 8 डायमंड भी मिले मुझे। एंड यार फिर मैंने डायमंड से एक पिकेक्स बना ली बिकॉज हमें एक नीदर पोर्टल बनाना था। और यार पिकेक्स बनाने के बाद मैं अपने घर जा ही रहा था तभी मैंने क्या देखा, आइलैंड के पास अली बाबा और उसके लामा स्पॉन हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे थोड़ी ट्रेड करी जाए, लेकिन भाई साहब ट्रेड के नाम पे वो गू दे रहा था। एंड यार फिर मुझे ना चाहते हुए भी अली बाबा को उसकी गुफा में पहुंचाना पड़ा। और यार बाबा जी को जैसे ही मारा तो उसकी लामा भड़क गई भाई साहब, मेरे पे गंदा गंदा थूकने लग गई। तो हमने उन लामा को भी मार मार के लंबा कर दिया। और यार फिर हमने ना लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करके तोड़ लिया और उससे अपना नीदर पोर्टल बनाया। इस वर्ल्ड में यार हमने नीदर पोर्टल इसलिए जल्दी बनाया बिकॉज देखो माइन करके तो हमें कोबलस्टोन और बहुत सारी चीजें वैसे ही मिल गई थी, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत थी ओशियन वर्ल्ड में वो ये थी कि भाई पूरे वर्ल्ड में एक भी पेड़ नहीं था। और मेरे भाई छोटे से दिमाग में बड़ा सा आइडिया फिर से आया कि क्यों ना नीदर में जाकर क्रिम्सन फंगस को अपने वर्ल्ड में लिया है और भाई अपने वर्ल्ड में पूरा एक फॉरेस्ट बना दे क्रिम्सन फॉरेस्ट। तो यार मैं फिर नीदर में गया उस फंगस को लेने, लेकिन भाई मुझे कुछ पढ़े लिखे सुअर दिखे तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे ट्रेडिंग करी जाए। तो मैं अपने वर्ल्ड में वापस गया और वहां से सारा गोल्ड लिया है, कम से कम 44 अराउंड कुछ गोल्ड था। लेकिन भाई इन सुअरों ने तो मेरा ही सुअर बना दिया, मैंने इनको 44 अराउंड गोल्ड दिया और पता है इनने बदले में मुझे क्या दिया, मकड़ी का जाला, काला पत्थर, पानी की बोतल, पता नहीं क्या कर रहे थे भाई। मैं नीदर सामान लूटने गया था लेकिन यार इन सुअरों ने तो मुझे ही लूट लिया। बट एक चीज इन सुअरों ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दी, वो थी स्पाइडर वेब। अब तुम कहोगे कि तेरे दिमाग में जंग लग गई, स्पाइडर वेब कब से इतना इंपॉर्टेंट होने लग गया? तो भाई रुको जरा, एक्चुअली स्पाइडर वेब इसलिए ज्यादा जरूरी था बिकॉज यार स्पाइडर वेब से अब हम अपना बेड बना सकते थे। फिर मैंने अपनी थोड़ी और आंख खोल के देखा था तो भाई पता चला जिन सुअरों के साथ मैं ट्रेड कर रहा था ना उनका एक राजमहल भी था। अरे मतलब नीदर बेस्टियन था भाई, मेरे शब्दों पे मत जाओ, मेरी भावनाओं को समझो। तो मैं नीदर बेस्टियन में घुसा और कुछ सुअरों को मैंने सोने का लालच दे दिया और भाई साहब कसम से मेरे पे अटैक ही नहीं कर रहे थे वो। भाई मुझे कसम से बिलीव नहीं हो रहा था, कुछ चंद सोने के लिए पूरी की पूरी सुअरों की ये बिक गई है गवर्नमेंट। भाई साहब बिलीव नहीं हो रहा था, कसम से मैं उनकी आंखों के सामने उनकी चेस्ट लूट रहा था। बट पता नहीं यार सुअरों में एकदम से क्या चुल मची, सारे के सारे मुझे अकेले को मारने आ गए। बट भाई उन सुअरों के साथ स्कैम हो गया, वो भाई सीढ़ियों पे ही फंस गए। तो जी हमने मौके पे चौका मारा और मार मार के सुअरों का सुअर बना दिया। फिर हमने वो मेन तिजोरी लूटी जिसमें सबसे ज्यादा माल होता है और यार उसमें से हमें डायमंड की पिकेक्स मिली, वो भी पता है मेंडिंग लगी हुई थी उसपे। और यार ये सब करने के बाद फाइनली हमने फंगस कलेक्ट करे और मैं अपने वर्ल्ड में वापस आ गया। लेकिन यार वर्ल्ड में वापस आने के बाद मुझे पता चला क्रिम्सन को उगाने के लिए नाइलियम के ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। अरे यार कुछ ज्यादा अंग्रेजी हो गई ना, तुम सिंपली ये समझो कि भाई पाताल लोक के पेड़ पौधे उगाने के लिए पाताल लोक की ही मिट्टी चाहिए होती है। तो अब हमें लानी थी पाताल लोक की मिट्टी, लेकिन भाई पाताल लोक की मिट्टी के लिए हमें अपनी पिकेक्स पे सिल्क टच लगानी पड़ेगी। और यार ये सिल्क टच है, कोई मजाक नहीं कि कहीं भी पड़ी मिल जाएगी। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना मॉब फार्म बनाया जाए। यारो इससे हमारे 2 फायदे होते, पहला हमारा एक्सपी फार्म बन जाता और दूसरा मॉब फार्म्स में कभी कभार यार ज़ॉम्बी विलेजर्स भी स्पॉन हो जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मॉब फार्म बनाना। तो यार अब हमारा हो चुका था मॉब फार्म कंप्लीट और अब हमें करना था बहुत ज्यादा इंतजार हमारे मेहमान के लिए। A few moments later. और यार थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक जहरीला ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ मेरे मॉब फार्म में। और तुम्हें पता है भाई ये ज़ॉम्बीज जो होते हैं सूरज की किरणों से जल जाते हैं। अरे कोई ने बताओ रे, सनस्क्रीन नाम की एक चीज भी होती है। तो यार हम हमारे ज़ॉम्बी को बचाने के लिए उसे नाव में बैठा के छांव में लेके आए और अब हमें करना था इन भाई साहब का इलाज। तो यार फिर हम दोबारा नीदर गए और वहां पर जाके हमने ब्लेजेस को मार के उनकी रॉड चुरा ली, ब्राउन मशरूम भी लिया और मकड़ी की आग तो दुनिया
दुनिया भर की पड़ी थी। तो भैया जिसको नहीं पता है ना ध्यान से सुन लो, सड़ी हुई मकड़ी की आंख से और क्रीपर के चूर में से मुगली गुट्टी 555 बनती है। भाई यार कसम से क्या क्या बोलता हूँ मैं। अब ये ना कहना अरे मुगेम्बो तेरे को ये सब कैसे पता। तो भैया यूट्यूब से पहले ना मैं ढोलकपुर में टोटके करता था। तो मुगली गुट्टी 555 बनाने के बाद मैं गया अपने जहरीले ज़ॉम्बी के पास और फिर प्यार से हमने उसे सोने का सेब खिलाया और फिर मुगली गुट्टी की बोतल उसके सर पे फेंक के मारी। यार मुझे लगा कि थोड़ा बहुत तो दर्द होगा इस ज़ॉम्बी को, लेकिन ज़ॉम्बी भाई साहब तो दर्द डिस्को कर रहे थे। बट चलो यार कोई नहीं। और अभी हमारा जहरीला ज़ॉम्बी भाई साहब विकसित हो गया था एक इंसान के रूप में, तो यार इसको घर पे बैठे बैठे खाना पानी थोड़ी पिलाएंगे, इसलिए अब हमें इसे देनी थी जॉब, वो भी लाइब्रेरियन की, बिकॉज तुम्हें पता है मुझे सिल्क टच की सबसे ज्यादा जरूरत थी। एंड यू नो विलेजर को लाइब्रेरियन बनाने के लिए हमें चाहिए होती है लैक्टन, लेकिन यार हमारे पास बुक्स ही नहीं थी। एंड बुक्स बनाने के लिए आपको पता है पेपर और लेदर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो शुगर केन तो हमारे फार्म में उग चुका था, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि भाई लेदर कहां से लाएं, क्योंकि गाय भैंस तो थी नहीं इस वर्ल्ड में। एंड फिर से मेरी छोटी सी दिमाग में बहुत बड़ा आइडिया आया कि जो नीदर में वो बड़े बड़े जंगली सुअर घूमते रहते ना, उन्हें मारने से हमें लेदर मिलता है। हाँ यार उन्हें हॉगलिन कहते हैं पता है मुझे यार, बट जी मैं तो जंगली सुअर ही बोलूंगा पूरी वीडियो में। तो भाई मैं तीसरी बार नीदर में गया जंगली सुअर का शिकार करने, और यार सुअरों को मार के हमें बहुत सारी चमड़ी मिली, अरे हाँ लेदर भाई। एंड आते समय हमें कुछ बोन ब्लॉक्स भी दिखे, तो भाई साहब भूखों की तरह लूटा मैंने उन्हें। फिर हम अपने वर्ल्ड में वापस आए और यार लैक्टन बना के विलेजर को जॉब दी, लेकिन यार मुझे कसम से नहीं पता था ये विलेजर 7वीं फेल निकलेगा। भाई साहब इस विलेजर ने मेरा दुनिया भर का दिमाग चाटा, तब जाकर इसने मुझे सिल्क टच दी। एंड फिर जाकर मैंने अपनी पिकेक्स पे वो जादुई किताब लगाई, तो भाई मैंने इसका नाम रख दिया चमकीली। एंड फिर हम दोबारा नीदर गए और इस बार जाकर सारे के सारे नाइलियम ब्लॉक्स हमने तोड़ लिए, बिकॉज हमारे पास फंगस ऑलरेडी था। तो मैं वापस आ गया अपने ओवर वर्ल्ड में और हमने स्टार्ट कर दिया क्रिम्सन फॉरेस्ट अपने वर्ल्ड में बनाना। एंड ये रही उसकी छोटी सी क्लिप। यार फिर से हमारे एक्सपी फार्म में एक और जहरीला ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ, तो भाई उसको भी हमने अपनी शरण में ले लिया एंड उसको भी मुगली गुट्टी 555 पिलाई। अरे हाँ हाँ वही पोशन ऑफ वीकनेस, यार तुम भावनाओं को नहीं समझते मेरी। एंड इस वाले विलेजर को ना हमने क्योर करके फ्लेचर बना दिया। फ्लेचर हमने इसलिए बनाया बिकॉज यार अब हमारे पास क्रिम्सन का पूरा फॉरेस्ट था, और जो फ्लेचर होता है ना वो स्टिक्स के बदले में एमरल्ड देता है। कसम से विलेजर्स ना दिमाग से पैदल होते हैं, भाई साहब कौन देता है लकड़ी के बदले में एमरल्ड। बट चलो कोई नहीं। एंड यार अब हमारे पास पूरा क्रिम्सन का फॉरेस्ट था, तो फाइनली अब हम अपना घर आ सकते थे। तो मैं जल्दी से गया उस रंग बिरंगे जंगल में और सारी की सारी लकड़ियां तोड़ ली। एंड नाउ हमने स्टार्ट कर दिया अपने घर बनाने का काम। रेडी यार, और पता है घर बनाने से पहले मैं माइनिंग पे गया था और वहां मुझे कुछ डायमंड्स मिले थे, लेकिन मैंने उन्हें तोड़ा नहीं, बिकॉज देखो यार नॉर्मल पिकेक्स से डायमंड्स को तोड़ने से मुझे 8 के 8 ही मिलते, लेकिन अगर मैं उस पे फॉर्च्यून 3 लगा लेता तो भाई पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती कि मुझे ज्यादा डायमंड मिले। तो अब हमें ब्रीडिंग वाला खेल खेलना था, तो उसके लिए यार मैंने एक ट्रेडिंग हॉल बनाया और फिर मैं सामान कलेक्ट करने के लिए अपने घर पे गया, तो मैंने क्या देखा, क्रीपर और स्केलेटन की पंचायत चल रही है मेरे घर में। देखो स्केलेटन को तो हमने मार दिया था, लेकिन भाई साहब क्रीपर चाचा नाराज हो गए, वो गुस्से में फट गए और मेरा घर भी तोड़ दिया। अरे पूरे वर्ल्ड में मेरा ही घर मिला था क्या फटने के लिए। चलो यार छोड़ो ये सब, अपना ट्रेडिंग हॉल का काम शुरू करते हैं।
और यार अब हमारा ट्रेडिंग ऑल हो चुका था कंप्लीट, हमें अब उन दोनों विलेजरों को इसमें लाके ब्रीड करवाना था बस। अब ये मत कहना किस बात का ट्रेडिंग हॉल है, इसमें तो ब्रीडिंग श्रीडिंग चल रही है भाई। पहले हम विलेजर को ब्रीड करवाएंगे, उसके बाद जो मर्जी काम करवाएंगे। अच्छा सुनो, इस बार हमने विलेजरों का नाम नहीं रखा ना, रुको पहले इनका नामकरण कर देते हैं। तो भाई आज से इस लाइब्रेरियन वाले चाचा को हम बुलाएंगे चुलबुल, और यार ये दूसरा वाला विलेजर लड़का है लड़की देखो मुझे पता नहीं, लेकिन आज से हम इसे बोलेंगे चुलबुली। और यार जब मैं चुलबुली को नाव में बैठाकर ट्रेडिंग हॉल में ला रहा था, चुलबुल भाई आशिकों की तरह पीछे दौड़ा दौड़ा चला आया। भाई साहब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था इन दोनों को वो हो चुका है। अरे वो एंड फिर यार मैं एक्सपी फार्म में अपने लिए थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट करने गया, लेकिन यार मुझे एक्सपी से बढ़िया चीज मिली, पता है वो चीज क्या थी? एक आलू। अब तुम कहोगे कि भाई आलू तो ऐसे बोल रहा जैसे हीरे मिल गए हो तुझे। अरे मेरे हीरो हीरा लाल, इस आलू से ना अब हम विलेजरों की ब्रीड करवा सकते थे। तो यार मैंने सारा वीट तोड़ दिया और वहां पर आलू उगाने शुरू कर दिए। आलूओं में मैंने थोड़ा सा हड्डी का चूरा डाला, अरे बोन मिल अंग्रेजो। देन फिर मैंने चुलबुल और चुलबुली को थोड़े से आलू खिलाए और भाई हमारे छोटे से परिवार में आया। अब मैंने इन विलेजरों को थोड़ा सा और ब्रीड करवा के इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई। 12 seconds later. तो यार अब हमारे पास विलेजर्स तो ठीक ठाक अमाउंट में हो गए थे, लेकिन अब हमें इन्हें देनी थी जॉब। एंड मैं ज्यादा से ज्यादा गांव वालों को ना लाइब्रेरियन बनाना चाहता था, और तुम्हें पता है उसके लिए चाहिए भाई साहब बुक्स वगैरह। तो मैं फिर नीदर गया, फिर से जंगली सुअरों पे अत्याचार करके भाई साहब लेदर लेके आया। मैं कसम से बता रहा हूँ भाई साहब, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। एंड यार फिर अपने ओवर वर्ल्ड में आके हमने बहुत सारी लैक्टन बनाई, जिससे हमने अपने विलेजर्स को जॉब दे दी। एंड फ्लेचर से यार हमने स्टिक्स के बदले में बहुत ज्यादा ट्रेड करी। देन अपनी दूसरी डायमंड पिकेक्स पे यार मैंने फॉर्च्यून 3 लगा लिया और उसका नाम रख दिया किस्मत। और फिर मैंने अपनी किस्मत से डायमंड्स तोड़े, और पता नहीं यार कब 8 डायमंड 17 में बदल गए, पता ही नहीं चला। अब यार हमारे पास 36 डायमंड्स हो गए थे टोटल। तो सबसे पहले मैंने एक अपने लिए डायमंड का कवच बनाया, और आयरन आर्मर को यार फेंक दिया मैंने कूड़े में। देख रहे हो, कल तक जो बेसहारा बेचारा समुंदर में इधर उधर भटक रहा था, आज भाई साहब हीरो में खेल रहा था वो लड़का। वैसे एक बात तो है यार, डायमंड आर्मर पहनने के बाद एक अलग सी फीलिंग आती है। एंड यार हमें एक दिक्कत हो रही थी, जो हमारा ट्रेडिंग हॉल था ना वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत सारे उन्होंने मेरे विलेजर्स मार दिए थे। और अब यार हमें आयरन फार्म बना के कुछ गोलम स्पॉन करने थे विलेजर की प्रोटेक्शन के लिए। एंड वैसे भी हमारे पास आयरन की कमी पड़ रही थी, तो एक तीर से 2 निशाने लग जाते। हाँ यार टेंशन ना लो, मैं टाइम लैप्सिंग डाल रहा, ऑलरेडी वैसे भी 5 हो चुके हैं। लेकिन यार मैं एक चीज जरूर दिखाऊंगा कि इन विलेजरों ने मेरा कितना दिमाग खराब करा है आयरन फार्म बनाते समय। पता है जब मैं इन्हें आयरन फार्म के लिए लेने आया ना, ये ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन हो, बार बार इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, ये सब कर रहे थे। एक बेचारे को तो मैंने जान से ही मार दिया था, लेकिन भाई मैं भी क्या करता, उसने मेरा बीपी हाई कर दिया था। तो फाइनली यार बहुत देर तक दिमाग मारने के बाद मैंने इन विलेजरों को आयरन फार्म में ट्रांसपोर्ट किया। और पता है इनसे ज्यादा दिमागदार तो वो बेचारा ज़ॉम्बी था, एक ही बार में मेरा पीछा करते करते आयरन फार्म में आ गया। देन फिर मैंने इन तीनों का नामकरण कर दिया, ज़ॉम्बी का नाम रखा मोगैम्बो और विलेजर्स का नाम मैंने रखा लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो यार सारे प्लीज सब्सक्राइब कर दे करो। एंड यार पता है कल यूट्यूब से कॉल आई थी, पता है क्या कह रहे थे वो, कि भाई मोगैम्बो तेरे को तो 100 लोग देखते हैं लेकिन एक ही सब्सक्राइब क्यों करता है, तो बताओ। मेरे पे कोई जवाब ही नहीं था, मैं क्या जवाब देता। तो भाई कम से कम इस 1% को 10% तक तो लेके जाओ। A few moments later. यार अब हमारे पास देखो तलवार वगैरह सब चीज थी, लेकिन अब हमें बनाना था सबसे ओपी हथियार इस वर्ल्ड का, जो कि था ट्राइडेंट। यार मैंने अपने लिए पोशन ऑफ ब्रीदिंग बना लिया और निकल पड़ा समुंदर की गलियों में ट्राइडेंट को ढूंढने। तो भाई सात समुंदर पार जाने के बाद हमें कुछ ड्राउन ज़ॉम्बीज मिले, और यार पता नहीं कैसी गंदी गंदी आवाज निकालते हैं ये, ऐसा लगता है कि इनका पेट खराब है। तो हमने बहुत सारे ज़ॉम्बीज की हत्या करी, और उसकी छोटी सी क्लिप ये रही। एंड यार फाइनली हमें बहुत सारी फाइट करने के बाद एक ज़ॉम्बी को मार के ट्राइडेंट मिला। भाई साहब ये ट्राइडेंट देख के ना मेरे दिल का दरिया बह ही गया।
देन फिर मैं ट्राइडेंट को लेके अपने घर पे आया और उस पर मेंडिंग लगाई। मेंडिंग लगा के मैंने उसको थोड़ा सा रिपेयर करा, एक्सपी फार्म पे ले जाके बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे। एंड यार ये ट्राइडेंट हमें ना बहुत सारे ज़ॉम्बीज पे जुल्म करके मिला था, तो मैंने इसका नाम रख दिया जुल्मी हसीना। भाई सब ट्राइडेंट हाथ में लेके तो ऐसी फीलिंग आती है कि हमसे बड़ा कोई बंदा है ही नहीं इस दुनिया में। एंड यार डे 96 पर हम पूरे की पूरे कवर हो चुके थे डायमंड आर्मर में और हमारे पास ट्राइडेंट था, कुछ अच्छे वेपन्स भी थे, तो ये एकदम राइट टाइम था विदर से फाइट लेने के लिए। बट एज यू नो इस बार हमें ना विदर को नीदर में डिफीट करना है। तो यार नीदर में जाने से पहले ना मैं आप सबको एक छोटी सी क्लिप में दिखा देता हूँ कि 96 डेज तक हमने क्या क्या बनाया इस वर्ल्ड में। तो यार अब चलते हैं नीदर में अपने विदर को तितर बितर करने के लिए। एंड यार नीदर में जाके ये ध्यान आए कि विदर स्केलेटन तो है ही नहीं, स्पॉन कैसे करेंगे इसको। फिर हम अपनी फोर्ट्रेस की तलाश में निकल पड़े। A few moments later. तो बहुत सारी फाइट करने के बाद यार हमें 3 विदर स्केलेटन के स्कल्स मिले और अब हमें विदर को स्पॉन करके तितर बितर करना था। तो करना, तो फिर हमने थोड़े से जादू टोने करके कंकालों की देवी को स्पॉन करवा दिया। तो चलिए अब जाके मुंह तोड़ते हैं इस विदर का। सो लेट्स फाइट। एंड यार बहुत ही खतरनाक युद्ध के बाद विदर का खात्मा हुआ और मरने के बाद यार बेचारी एक सितारा भी देके गई थी हमें, वही निदर स्टार हमारा। हाँ जी, तो निदर स्टार हमें मिल चुका है, तो चलो अपने वर्ल्ड में जाके बीकन बनाते हैं। अरे अरे एक मिनट रुको भाई साहब, ये क्या हो गया? अरे भाई ये विदर तो स्कैम करके चली गई यार, फाइट करते समय इसने हमारा निदर पोर्टल ही तोड़ दिया। अगर यार तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई साहब हम निदर में फंस चुके हैं, हमारा पोर्टल टूट चुका है, हम ओवर वर्ल्ड में नहीं जा सकते। भाई मैं इधर कैसे सर्वाइव करूंगा यार, मैं तो कुछ वेपन्स लाया था और थोड़ा सा खाना लेके आया था अपने लिए। यार 100 डेज इन ओशियन वर्ल्ड करने चले थे और यहाँ पर तो निदर में फंस चुके हैं हम। तो भाई तुम्हें पता लग गया होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, तो यार सारे के सारे देखना नेक्स्ट एपिसोड, बिकॉज़ यार स्कैम हो चुका है, स्कैम से हमें अब निकलना है बाहर। एंड यार बस आज के एपिसोड के लिए इतने ही रखते हैं, मेरा तो कसम से दिमाग खराब हो गया है। और वीडियो एंड करने से पहले यार मैं ये कहूंगा, जो भी बंदा नया हो ना लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और जिसने पता है एंड तक वीडियो देखी है तुम अपना एड्रेस दे दो, मैं कसम से घर पे आके अवार्ड देने वाला हूं। एंड यार अगेन थैंक्स अ लॉट, आपके इतने तगड़े सपोर्ट की वजह से हमारे 10K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बस यही सपोर्ट एंड प्यार अपना बनाए रखना। एंड मिलते हैं अगले मजेदार एपिसोड में, तब तक के लिए तुम फूको।